हम आज जो है नाग पंचमी है, तो हम थोड़ी देर नाग पंचमी पे डिस्कशन कर लेते हैं। नाग पंचमी का मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। पहली बात तो नाग नाग कहते किसको है, ये हमने जो पीपीटी कवर करी थी उसमें नाग जो है हमारे शरीर के भीतर है, ठीक है, हमारा जो बैकबोन है हम उसको नाग कह रहे हैं। और किस किस को नाग कहा जाता है, तो जिन लोगों की जन्म पत्री में कालसर्प दोष और शनि दोष की समस्या होती है वो नाग पंचमी पे रेमेडी करने से उनको आराम आ जाता है। आज नाग पंचमी है और इसमें ये एस्ट्रोलॉजिकल हो गया कि आज शिव योग भी है और सिद्धि योग भी है। तो शाम को 6:38 तक शिव योग है, तो ऐसे टाइम पर इस टाइम तक जो है पूजा करने का विशेष महत्व है। क्या हाँ पूजा ये, करनी हाँ चाहिए? वही बता रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। तो ये श्लोक है, अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये श्लोक में 9 नागों का नाम लिखा हुआ है। अनंत वासुकी, वासुकी वो सांप है जो नाग है जो कि शिव जी के गले में लिपटा हुआ है। शेषनाग तो शेषनाग है ही, अनंत और शेषनाग में फर्क है वो भी बताता हूँ क्या है। पद्मनाभ जो है वो एक नाग रहे हैं, कम्बलम एक नाग रहे हैं, शंखपाल एक नाग रहे हैं, धृतराष्ट्र एक नाग का नाम था, तक्षक एक नाग का नाम था और कालिया एक नाग का नाम था। तो ऐसे करके नागों की भी 9 जातियां होती है, इन 9 जातियों का ध्यान करते हैं। तो अब सबसे पहले तो इस मंत्र को लाल रंग के पेन से कागज पे लिख लीजिए और इसको लिख के इसकी एनर्जी को अपने में डालना है, मतलब अपनी सोल सीट से मैं एक नाग को इमेजिन करके उसमें डालना है। घर परिवार के जितने सदस्य हैं उन सबके भीतर एक एक नाग को इमेजिन करके उसमें डालना है। घर का जो वास्तु पुरुष है, नॉर्थ ईस्ट में सर है, साउथ वेस्ट में पैर है, उसको इमेजिन करके उसमें नाग डालना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इस वाली एक्टिविटी को पूरा कर लें जरा।
हाँ जी, क्या फीडबैक? बड़े सारे नाग देखे, सबके सोच सीट पे नाग बिठाया मैंने, जितना मेरा घर परिवार है तो वो इमेजिन किया, मतलब कि मैंने फिर नाग बिठाया वहां पे। मैं मेरा ये जो माथा है ना, ये गर्म हो गया है, ये इधर यहाँ पे ना बहुत गर्म हो गया। बाकी मैंने घर के वास्तु पुरुष पे और सब जगह मैंने ये वाले मंत्र को डाल दिया। परफेक्ट जी। कटी सर, क्या ऑब्जर्वेशन? बहुत ज्यादा एनर्जीज है, फिर गोल्डन एनर्जीज भी दिख रहे थे। ठीक है जी। भारती जी, वो माथे पर भी एनर्जी फील हो रही, बट वो थोड़ी थोड़ी वैसी शेप आ रही है कि माथे पर यहाँ पर नाग का सर और कुंडलिनी जैसे कनेक्ट हो रही हो ना, तो थोड़ी थोड़ी ब्लर वैसे बन रही थी और नाभि तक फील आ रही थी उसकी। अभी शायद वो ओके। नीचे तक भी जाती हुई फील आती, बट मैंने छोड़ दिया। लोएस्ट पॉइंट हमारा नाभि ही है वैसे तो, उसके तौर पर जी। हरीश जी, काफी सुकून वाला लगा मुझे, फील जो था काफी सुकून वाला था। कलर्स कलर्स से कुछ देखने की कोशिश नहीं करी मैं, बट जो बॉडी का भाव था, तो जैसे ही सोल सीट पे डाला, वास्तु पुरुष पे डाला, घर के सारे सदस्य के सोल सीट पे डाला, तो एक सुकून वाला फील है कि कुछ एक करेक्शन था, वो करेक्शन हुआ और एक ना राहत मिली वैसा वाला ओके सुकून। ओके। अब क्या है कि इसमें एक अनंत नाम है और एक शेषनाग नाम है। जब मैंने अनंत को ध्यान करा, मैंने कहा तो दोनों नाम एक के ही हैं, क्यों लिखा इस तरह से? फिर मेरा ध्यान गया, हम सबके भीतर एक एक नाग है। तो इस तरीके से इस ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों सोलर सिस्टम होंगे, हर एक सोलर सिस्टम के अंदर एटलीस्ट एक एक पृथ्वी होगी। उस एक पृथ्वी पे 200, 500 करोड़, 700, 750 करोड़ लोग भी होंगे। तो टोटल जितने भी नाग हैं उसकी क्यूमुलेटिव फॉर्म जो है, विच इज इनफाइनाइट, उसको हम अनंत कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शेषनाग कह रहे हैं हम जब पूरे उसको जो है। शेषनाग टर्म बेसिकली आया है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। जो नाग जो है, जो नाग और गरुड़ जो है, अगर मैं उनका कोरिलेशन देखूं तो नाग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं और गरुड़ जो है वो एंटी ग्रेविटी को कहते हैं। जब आप ऊपर से नीचे गिर रहे हैं तो वो नाग की डोमेन है, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो गरुड़ की डोमेन है। तो एक ग्रेविटी हो गई और एक एंटी ग्रेविटी हो गई, दोनों प्रोसीजर अलग अलग हो गए ना, नीचे जाना ऊपर जाना उसके तौर पे। अब नाग और गरुड़ जो है, उन दोनों के बीच में जो फाइट थी वो किस चीज की थी? वो फाइट थी अमृत की। अमृत कलश किसके पास में रहेगा? नाग जो है वो अपने पास में रखना चाहते थे, गरुड़ जो है उनकी मदर को श्राप मिला हुआ था कि भाई इनको कद्रू की दासी बनकर रहना है। तो उन्होंने कहा भाई कैसे मुक्ति मिलेगी? बोले भाई ऐसा है, मुक्ति का एक ही तरीका है कि नाग जो है उनको अमृत तुम दे दोगे तो मैं दो। बोले अमृत किसके पास है? बोले अमृत तो इंद्र के पास है। तो उन्होंने कहा अच्छा, मैं इंद्र से आपको जो है अमृत लाके देता हूँ। इंद्र अमृत को प्रोटेक्ट करते थे, तो नागों को उन्होंने कहा भाई नाग को दे दोगे तो पूरी दुनिया नीचे ही गिर जाएगी, हमें ग्रेविटी और एंटी ग्रेविटी को भी बैलेंस करना है। तो अमृत जो है वो बोले काम करते हैं, मैं कुछ ट्रेचरी करता हूँ और आपका भी काम हो जाए मेरा भी काम हो जाए, क्योंकि युद्ध में तो आप मुझसे जीत नहीं सकते। और इंद्र को भी पता था कि अगर वो जी हार गए तो फिर इंद्र की गरिमा खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, अमृत उठाया और नागों को दे दिया। बोले अब वो श्राप मुक्ति हो गई? बोले हाँ जी, अब विंता से श्राप हट गया? बोले बिल्कुल ठीक है। अब हट गया तो बोले कि अरे ऐसी थोड़ी अमृत को पान कर लोगे, नहा धो के तो आओ जरा सा। वो जितनी देर में वो नहाने धोने के चक्कर में वहां से गए, उतनी देर में इंद्र फिर से वो अमृत कलश उठा के ले गए।
ये कहानी थी जो इसके तौर पे थी। तो जब मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे एंटी ग्रेविटी, ग्रेविटी, इस तरीके से तमाम चीजें पता चली। साथ के साथ ये पता चला कि मेरा जो मुझे जो बताया गया था बचपन से कि भाई तुम्हारे भीतर एक कुंडलिनी शक्ति होती है जो जागृत होती है, नाग पलता है, वो मैंने कहा ये सब फालतू की कहानियां, इसका कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो स्पर्म से एक ह्यूमन फॉर्म में कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व हो रहा हूँ। तो वो तो नाग तो जागता ही जा रहा है, खड़ा होता ही जा रहा है, उसमें कहीं कोई चीज का समस्या नहीं है। तो वो पहला पार्ट देखा मैंने। दूसरा पार्ट मेरे पास क्या हुआ, एक दफे मैं किसी चीज के ध्यान में था तो मुझे आवाज आई कि कालिया नाग क्या है कालिया नाग। तो मैंने कहा, मैं सोचा थोड़ी देर और फिर मैंने बोला जैसे अनंतनाग, वेरी नाग, कुकर नाग, वैसी कालिया नाग। बोले मतलब, अब वो मेरे अंदर डायलॉग चल रहा है ये, और मैं भी कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कौन कर रहा है और ये आंसर कौन कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो मैंने फिर बाद में बोला कि मैंने कहा जैसे अनंतनाग, वेरी नाग, कुकर नाग ये स्प्रिंग वाटर्स है, ऐसे ही कालिया नाग जो है वो स्प्रिंग वाटर है। स्प्रिंग में क्या होता है, पानी नीचे से ऊपर आता है, आमतौर पर पानी क्या होता है ऊपर से नीचे गिरता है, बट यहाँ पर पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। तो नाग जो है वो बेसिकली वो फॉर्म हो गया जो पानी को नीचे से ऊपर भेज रहा है। अगर ये पहाड़ पर ये स्प्रिंग्स ना हो तो आप देखोगे पहाड़ पे तो पानी नहीं आएगा, पानी तो ऊपर से नीचे गिरता है तो पहाड़ पे तो पानी रुकेगा नहीं। तो ये नेचुरल व्यवस्था है जो नीचे से ऊपर जल को भेजती है, उसको भी नाग कहते हैं। तो जब ये वाला पार्ट आया तो मैंने कहा कालिया नाग जो है वो बेसिकली ब्लैक वाटर है, ब्लैक स्प्रिंग वाटर है। नॉर्मली व्हाइट वाटर होता है, जैसे नॉर्मल हम पानी देखते हैं उसका स्प्रिंग वाटर होता है, लेकिन कालिया नाग जो जगह है वो जगह जो है वो ब्लैक वाटर है, उसका स्प्रिंग है। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा काला पानी क्यों होगा, क्योंकि यमुना जी के लिए भी जो है बहुत जगह रेफरेंस में काला जल जो है वो, या श्याम रंग जो है वो उसके लिए डेपिक्शन आया यमुना जी के लिए। तो मैंने जब उसको ध्यान से देखा तो मैंने कहा नहीं, ये यहाँ पर जो है ना जिस जगह कालिया मर्दन हुआ है इस जगह ना आर्सेनिक के भंडार है। आर्सेनिक एक मेटल होता है, धातु होती है एक, वो धातु जो है वो पॉइजनस होती है, जहरीला होता है वो, और उस धातु पर वो मतलब उसके भंडार होंगे उस जगह जिस जगह ये कालिया नाग का मर्दन हुआ है। तो मुझे पता नहीं चला, फिर मैंने जब वो स्टोरी श्री कृष्ण वाली पूरी पढ़ी ध्यान से तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई एक नाग आया और नाग के ऊपर जो है श्री कृष्ण ने डांस करा, और उसके बाद उस नाग को ये बोला कि भाई तू ये जो है जगह छोड़ के चला जा क्योंकि ये जगह तो मेरी प्रोटेक्शन में है। तो उसने कहा ठीक है जी मुझे आप छोड़ दो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो ऐसे करके, तो ये बेसिकली कोडेड स्टोरी है, क्योंकि आर्सेनिक जो है वो अपने आप में एक न्यूक्लियर फ्यूल है। तो जिस जगह वो कालिया मर्दन हुआ है उसके आसपास के क्षेत्र में जो है ये आपको आर्सेनिक के भंडार मिलेंगे। तो मेरी जब किसी से बात हो रही थी तो मैंने वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका कोई व्यक्ति मेरे को मिला था, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये वाले क्षेत्र में कहीं आर्सेनिक है, इसके कोई ट्रेसेस वगैरह आपके पास कोई रिपोर्ट आई? उन्होंने कहा एक रिपोर्ट आई तो थी जिसमें कुछ ट्रेसेस कहीं के तौर पे था, बट आई एम नॉट टू वेरी श्योर कि ऐसा कोई पार्ट जो है जिसमें बहुत सारा मात्रा पता चल रहा हो। मैंने कहा मात्रा तो कम ही पता चलेगा, बट मेरे को वो मेरा आंसर मिला था उस दिन पहली बार कि ये जो स्टोरी है इसमें बहुत सारे पहलू है, हम उसको एक नाग मान रहे हैं। तो ये मैंने आपको नौ नाग की कहानी है, उसमें से अनंत बता दिया और एक शेषनाग बता दिया और एक कालिया नाग बता दिया, तीनों अलग अलग है। तो वहां पे उसमें मैसेज में भी यही लिखा है कि नागों के नौ अलग अलग प्रकार या फैमिलीज होती है। तो एक फैमिली जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कहते हैं, एक फैमिली जो है स्प्रिंग वाटर को कहते हैं, एक हम सबके बीच बीच में जो कुंडलिनी रूपी नाग है उसको कहते हैं, एक तक्षक करके नाग है, आई डोंट नो बट उसका डिस्क्रिप्शन है, जिसने राजा परीक्षित को मारा था, डसा था उसके तौर पे। तो ऐसे करके ये तमाम कुछ खजाने के रक्षक होते हैं नाग, तो वो पद्मनाभ जो नाग है वो बेसिकली खजाने का रक्षक है। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पिछले जन्म में जो है सांपों को बहुत ज्यादा मारता है
उसका जो एक तो उसकी जन्मपत्री में कालसर्प और इस टाइप के योग आते हैं, दूसरा उसके लिए कहा जाता है कि उसका पैसा कभी रिटेन नहीं रहता, आता है और चला जाता है। तो पैसे का रिटेंशन करना है तो उसको अपने ये इनको पितृ दोष कहते हैं, तो बोले उसे अपने पितृ दोष का निवारण करना चाहिए। सो इस तरीके की तमाम स्टोरीज है। अब आते हैं नाग पंचमी की मेन स्टोरी के ऊपर। तो जो चीज मेरे साथ हुई थी, मैं किसी काम से एक बार जो है इंदौर गया था, मेरा 4-5 दिन का एक बिजनेस ट्रिप था उसके तौर पे। तो वहां गया तो वहां मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो रोटरी वाले थे, तो उन्होंने जो है अपना जो उनका रोटरी का जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है उससे बात कराई कि ऐसे ऐसे ये डॉक्टर गौरव शुक्ला मेरठ से आए हैं। बोले अरे बुलाइए इन्हें। तो वो जो मेन गवर्नर जो थे वो वहां पर थे, उज्जैन में थे। तो उन्होंने कहा अरे आप मुझसे मिला बिना जाएंगे नहीं, आप उज्जैन आइए। हम उज्जैन पहुंच गए तो बोले कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, 1-1.5 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, तो आप जो है 1-1.5 घंटा वेट कर लीजिए, इतनी देर में जो है। तो मैंने कहा भाई आप उज्जैन में हो, किसी की ड्यूटी लगाओ हमारे साथ में, वो महाकालेश्वर के हमें दर्शन करा देगा उज्जैन में। उन्होंने कहा आज तो अगर मैं खुद भी चाहूँ तो मैं महाकालेश्वर के दर्शन नहीं कर सकता। मैंने कहा आज क्या बात है? बोले आज जो है वो ये है, क्या कहते हैं, नाग पंचमी है। तो मैंने कहा नाग पंचमी में क्या होता है? बोले आज के दिन महाकालेश्वर के मंदिर के ऊपर एक जो नाग चंद्रमौली, जो महाकालेश्वर के ऊपर जो नाग विराजमान है उनका नाम नाग चंद्रमौली है, आज उनका दिन है। तो आज इस पूरे क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो 24 घंटे में, नाग पंचमी के 24 घंटे की जो तिथि होती है उतनी देर में उनको वो दर्शन करने होते हैं। तो आज तकरीबन 24 घंटे में 2.25 लाख लोग जो है वो दर्शन करेंगे। तो आज इतनी भयानक भीड़ है कि आज कोई जा ही नहीं सकता है। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा जिसने मुझे बिना ये पता चले कि मैं आज नागपंचमी में, तो ये भी नहीं पता था, मैंने कहा जिसने मुझे उज्जैन में बुलाया है वो दर्शन भी देगा। और ये कह के मैंने कहा चल भाई चल मंदिर की तरफ चलते हैं। तो मेरे साथ एक और जो व्यक्ति इंदौर से आया था रोटरी वाला, वो मुझे लेकर जो है मंदिर में पहुंचे। तो मैंने उसको अपना कार्ड दिया, एक मेरे पास एक प्रेस कार्ड था उस टाइम पे, वो मैंने प्रेस कार्ड उसको दिया और मैंने कहा तू मेरे आगे आगे चलना और ये बोलना आइए सर, कोई पुलिस वाला है कोई भी रोके तो उसकी तरफ ना देख के मेरी तरफ देखना, आइए सर तो ऐसे करके। और हम जो एग्जिट गेट था वहां पे खड़े हो गए जाके, और उसने ये करना शुरू करा आइए सर और हम अंदर जाना शुरू हो गए। तो जहां कोई रोके वो उन्हें कार्ड दिखाए प्रेस वाला की सर दिल्ली से आए, ऐसे करके जो है सर अंदर घुसते चले गए नाग की तरीके से ही। अंदर चलते गए पहले महाकालेश्वर का मंदिर आया, हमने महाकालेश्वर पे दर्शन करे। उसके बाद जो है हम और अंदर गए, अंदर जाके वहां से एक जीना था जो ऊपर जाता था जो नागचंद्रमौली का मंदिर था, फिर हम वहां गए, हमने वहां पे दर्शन करे। हर जगह जहां कोई रोकता पुलिस वाला कुछ बोले साहब दिल्ली से आए और आइए सर। पता नहीं क्या उस दिन दिमाग में आया, और मैं सिर्फ मन में ही सोच रहा था कि कुछ भी मुझे ऐसा करना चाहिए सो दैट जिसने बुलाया है तो वो तो रोकेगा ही नहीं, अगर उसका संदेश है तो मुझे कोई बिना कारण के कैसे बुला सकता है, कोई तो कारण होगा ही। और मेरी जन्मपत्री के अंदर जो है वो नाग भय से या नाग सर्प दंश से मृत्यु लिखी हुई थी। तो अब जो नाग चंद्रमौली के दर्शन कर लेता है उसको ये सब कुछ नहीं होता, ऐसा वहां का वो था कि मतलब उस दिन से वो नाग से प्रोटेक्टेड हो जाता है, इस तरीके का डिस्क्रिप्शन। तो मुझे बड़ा मजा आता था, बट मैं सीधे ऊपर पहुंचा, नाग चंद्रमौली के दर्शन करे, जल चढ़ाया, उसके बाद वापस आके उस रोटरी के गवर्नर से मिला। तो वो कहता है आप कहाँ गए थे? मैंने कहा नाग चंद्रमौली के दर्शन करने। बोला क्या बात कर रहे हो, मेरी 70 साल की आयु हो गई, आज तक मैं उज्जैन में रहकर दर्शन नहीं कर पाया, आप मेरठ से आके दर्शन कर गए। मैंने भाई जिसको जो बुलाता है वो तो दर्शन कर ही लेता है। तो ऐसे करके आज का दिन मैं शायद लाइफ में कभी भी नहीं भूलू कि इतने जबरदस्त तरीके से दर्शन हुए थे। और उस दिन जो है जब हम वापस आए तो पता चला कि उस दिन जो एक रात को जो है 12 बजे से पहले जो एसडीएम था
वो सीआरपीएफ का वहां पे कमांडेंट जो है वो सारा सिक्योरिटी सिस्टम देखता है वहां का। तो जब एसडीएम आया तो उसने जो है वो सीआरपीएफ वाले कमांडेंट ने कहा कि अभी दर्शन नहीं हो सकते, बहुत भीड़ है, हटिए पीछे। उसने कहा तुमने मुझे कैसे पीछे कर दिया, मैं एसडीएम हूं। और उसने उस सीआरपीएफ कमांडेंट को धक्का दे दिया, उसने खींच के थप्पड़ मारा उसके। तो एसडीएम पिट रहा था, सीआरपीएफ का कमांडेंट पीट रहा था और हम दर्शन करके आ भी गए। तो मैंने कहा भगवान शिव की कृपा है, नाग चंद्र मौली की कृपा है, तो आज का दिन तो सफल हुआ। तो मैंने कहा हम इधर उधर डिस्कशन करें तो मेन जो है आज जो है वो नौ नाग की कथा जो है वो तो शेयर कर ही लें, ताकि जो है जिस जिस का जो भी समस्या हो, चाहे वो काल सर्प दोष हो कुछ हो, ये मंत्र जो मैंने शेयर करा है इसको उठाकर उसमें सोल सीट पे डालने से, घर में डालने से किसी भी व्यक्ति का कोई भी दोष जो होता है वो शांत हो जाता है। और ज्यादा परेशानी कोई चीज लगती है तो इसको नौ, मतलब नौ बार जैसे लिखा है रोज, ऐसे 43 डेज तक रोज लिखे और उठाकर डालते रहे एनर्जी को, तो वैसे ही शांत हो जाएगा। मतलब हम रेमेडी कराने जाएं, करने जाएं, वो जो भी कुछ है उस सब का कोई मेजर वो आवश्यकता नहीं है। मेन बात यह है कि ये पता रहे कि नाग कहाँ कहाँ कितनी फॉर्म में है। तो जब आप अपने भीतर के नाग को जान लेते हैं तो वो दोष खत्म हो जाता है। मेरा पॉइंट समझा पाया? ये सारी की सारी चीजें डिकोड करने के लिए बनी है। हमारे यहाँ की जो एपिक्स के अंदर जो इंटेलिजेंस है ना वो बहुत फिनोमिनल है। तो चलिए थोड़ी देर, दो मिनट आंख बंद कर लेते, मैं भी नौ बार तो एटलीस्ट ये वाला श्लोक बोली तू आप लोगों के साथ साथ, तो एक मेडिटेशन भी हो जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा भी हो जाएगा। तो फिर इसमें काल सर्प जिसका दोष होता है उसको फिर वो पूजा कराने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी जरूरत, मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। मैं पहले बोल तो दू ना, पहले मैं पहले बोल देता हूँ, आप लोग सब आंख बंद करके अपना सोल सीट पर ध्यान लगाएं। और आज नाग पंचमी का शुभ दिन है, तो इस दिन महाकालेश्वर उज्जैन में और भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग है उनमें जो भी नाग चंद्रमौली है उन नाग चंद्रमौली को ध्यान करके जो शिव जी के गले में लिपटे हुए हैं और उन्हीं के भीतर वो विष मौजूद है, पर शिव तो साक्षात मृत्युंजय हैं, उन शिव का ध्यान करते हुए इन नौ नाग परिवारों को हम लक्ष्य करेंगे। जो अनंत का आसन है, जिन्होंने अनंत रूपी शेषनाग को आसन बना रखा है, वो अनंत का अंश हम सबके भीतर है, हम सबके भीतर एक नाग विराजमान है। इस प्रकार इस पृथ्वी पर 700 करोड़ पॉपुलेशन, उसके अलावा तमाम लिविंग बीइंग्स, उन सब के भीतर एक नाग विराजमान। ऐसी करोड़ों पृथ्वियां इस ब्रह्मांड में है और प्रत्येक पृथ्वी के हिसाब से अनंत कोटि नाग विराजमान है जो हम सबके भीतर जागृत हो रहे हैं। उन समस्त नागों को जो प्राण रूपी विष्णु धारण कर रहे हैं, उन समस्त नागों का ध्यान करेंगे तथा शिवजी के गले में जो वासुकी नाग है उन वासुकी का ध्यान करेंगे। इस अखिल ब्रह्मांड को जो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा नाग धारण करता है उन शेष नाग का ध्यान करेंगे।
राजा परीक्षित को जिन्होंने डसा था, उन तक्षक नाग का ध्यान करेंगे। हम सब अपने साथ में एक एक खजाना लेकर आते हैं, उस खजाने का रक्षक एक नाग होता है और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी खजाने हैं उन सब का रक्षक पद्मनाग नाग है, उनका ध्यान करेंगे। एक कंवल नाम के नाग है, उनका ध्यान करेंगे। एक धृतराष्ट्र नाम के नाग है, उनका ध्यान करेंगे। एक शंखपाल नाम के नाग है, उनका ध्यान करेंगे। और एक कालिया नाग है, उनका ध्यान करेंगे। इस प्रकार नागों के नौ परिवारों का ध्यान करके अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रे तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा अनंतम वाशुकीम शेषम पद्मनाभम च कमलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे और इस अखिल ब्रह्मांड में विष्णु जी के आसन स्वरूप शिव जी के कंठ में लिपटे हुए जिन नाग को हम जानते हैं, उनकी हम पर, हमारे परिवार पर, इस कुटुंब पर सदैव कृपा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर। जी ऋतु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। बढ़िया जी, बहुत अच्छा जी। भारती जी जी, बहुत बढ़िया था, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा कि जैसे हमारे कुंडलिनी में होता है ना नाग, ऐसे ही वहीं के वहीं घूम ही रहा है पूरा। बहुत मतलब सर्कुलर सी एनर्जी पूरी आ रही है। हाँ, बहुत ज्यादा जी। हरीश जी, काफी डिफरेंट था सर, बाकी सारी चीजों के अलावा। तो इसमें आपने जैसे बताया था कि ये अगर रेमेडीज 43 डेज तक करे तो किसी को अगर काल तक है तो उसके लिए वो प्रॉपर रेमेडी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। 43 डेज तक दिन में दो बार हीलिंग करनी है, ऐसी जैसे मैंने करा। मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा सबके साथ में, क्योंकि आज नाग पंचमी है तो इस वजह से मुझे एकदम से ध्यान आया कि आज ये वाला पार्ट पूरा